तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से चेक करना चाहते हैं कि आपके जनधन खाते में पैसे आया है या नहीं, तो अब आप आपके मोबाइल से भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों चाहे आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर कीपैड फ़ोन हो, आप किसी भी फ़ोन से चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हमारी होम स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है। तो दोस्तों जैसे आप मोबाइल स्क्रीन पर आ जाओगे, आपको कीपैड वाला जो ऑप्शन होता है वहाँ पर चले जाना है। और दोस्तों मैं वहाँ पर एक नंबर टाइप करूँगा, जिससे कि आप सीधा बैंक ऑफ इंडिया का जो नंबर है हम वाला टाइप करेंगे, उससे हमें एक मैसेज आएगा और वो सीधे हमें हमारा बैलेंस जो भी जितना भी होगा वो बता देगा। तो दोस्तों और जो दूसरे बैंक है उसके नंबर में मेरी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर नंबर इंटर करेंगे। दोस्तों जैसे हम बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर नंबर इंटर कर रहे हैं, पहले बैंक ऑफ इंडिया का जो नंबर है तो जैसे बैंक ऑफ इंडिया का नंबर इंटर हो जाए हमें कॉल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम कॉल पर क्लिक कर देंगे वहाँ पर एक कॉल हो जाएगा और हमें मैसेज में आपके बैंक खाते में जितने भी पैसे वो बता देगा। और दोस्तों अगर आपकी बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, दोस्तों अभी लॉकडाउन के कारण सर्वर डाउन चल रहा है तो मोबाइल से भी रजिस्टर तो नहीं हो पाएगा, पर दोस्तों जो जिसका SBI का अकाउंट है वो मोबाइल से भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में तो जिसका मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसका ही बताएगा। तो दोस्तों जिसे हम सबसे पहले अभी हम हमारे मैसेज में जाकर चेक करते हैं कि हमारा जो बैलेंस है वो कितना है, वो बताता है कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैसेज में चले जाना है और कुछ टाइम लेता है, आपको 1-2 मिनट रुकना पड़ेगा। तो 1-2 मिनट रुकने के बाद वो आपको दिखा देगा। तो जिसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा बता रहा है कि 12:48 पे हमारा बैलेंस जी। दोस्तों अभी भी मैसेज आया यहाँ पर, आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर हमारा बैलेंस कितना है। तो यहाँ पर हमारा 115 रुपये यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस आया है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर्स हो, पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके।